Hey guys, finally मैंने जावा एंड जावा 42 की राइड ली. By God कसम, awesome bike है. Morning friends, this is Abhishek and first of all happy new year. और आपको नए साल की बहुत-बहुत मुबारक हो. क्योंकि recently मैंने एक new video upload की है Royal Enfield की Interceptor 650. Hope so आपको पसंद आई हो. और उसमें मेरी आवाज़ नहीं थी. काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में कहा कि तुमने क्यों नहीं आवाज़ दी, बट वो एक स्लो मोशन वीडियो थी और उससे मैंने कुछ सीखा कि चलो ठीक है, वीडियो में खुद के साथ साथ आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए, सभी लोग पसंद करते हैं वीडियो. तो आज मैं सोचा कि नए साल में कुछ नया किया जाए, कि मेरे साथ मेरी वॉइस भी आए तो आपको पसंद आया होगा अभी तक का वीडियो. और मैं सोच रहा हूँ कि आज एक नई जगह पर आपको लेके जाऊँ. और ईस्ट दिल्ली में एक नया शोरूम लॉन्च हुआ है जावा मोटर्स का. वहाँ पे रिसेंटली आपको पता है दो मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है, जावा एंड जावा 42. तो आज मैं उनकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ. और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ ईस्ट दिल्ली आज़ाद नगर. आई थिंक सो आज़ाद नगर, लेट्स गो.
हाय फाइनली मैंने राइड ली है जावा 42 एंड जावा की ऑसम बाइक ब्रो आप जरूर जाके एक बार टेस्ट ड्राइव लो उसके बाद खुद डिसाइड करो कि आपने वो बाइक लेनी है या नहीं लेनी क्योंकि मैं मेरे लिए जो मुझे पसंद आई है वो जावा 42 आई है क्योंकि बेसिकली इट्स अ न्यू बाइक न्यू 100 और न्यू यंगस्टर्स के लिए वो बाइक अच्छी है और दोनों का हाइट सेम ऑलमोस्ट बस हैंडल उनका चेंज है बट नो डाउट मुझे उसकी कलर स्कीम काफ़ी अच्छी थी 6 डिफरेंट कलर्स आपको जो कलर पसंद है आप जाइए और पसंद कीजिए और लीजिए क्योंकि क्लासिक में केवल 3 कलर हैं वाइट ब्लैक एंड मैरून मैरून बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कलर है जो आपकी पुरानी जामा आती थी सेम वैसी का वैसी है तो दो नए कलर आए हैं मुझे तो वहाँ पे 2 स्ट्रोक जावा भी दिखी 250 सीसी वाली जो सबकी फेवरेट बाइक होती थी इस समय और पीछे 4 मोहल्लों से भी आवाज़ आती थी जब वो बाइक स्टार्ट होती टट 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 तो वो इसमें थोड़ा मिस होगा क्योंकि दैट्स अ 4 स्ट्रोक बाइक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नो डाउट द लेजेंड इज़ बैक और बस 2-3 महीने का टाइम लीजिए मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार रोड पे आने दीजिए बाइक को कि बाइक कैसी है रोड पे कैसी दिखती है और कैसे लोगों का रिएक्शन है क्योंकि नई नई बाइक तो सबको पसंद आती है मेन होती है उसकी माइलेज इंडिया के हिसाब से इंडिया में क्या हर 300-400 सीसी वाली बाइक 30 किलोमीटर पर चलता है इसका इंजन बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये BS 56 जो है लेटेस्ट वर्जन है इंजन का उससे बना है और जो रॉयल एनफील्ड है वो BS 4 है तो बेसिकली ये दो डिफरेंट इसमें है प्लस माइलेज का डिफरेंट कहते हैं कि बुलेट से अच्छी एवरेज देगी एंड इसका हॉर्स पावर बुलेट से ज़्यादा है फिर मैंने बाइक चलाई तो नो डाउट इट्स अ अमेजिंग बाइक और एक एक्सपीरियंस लेजेंड के ऊपर बैठ के लेजेंड फील करना टोटली डिफरेंट मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो ये बाइक प्रेफर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी हट के बाइक है और इसको अ वेरी अफोर्डेबल बाइक और क्योंकि मैंने इंटरसेप्टर भी चलाई थी वो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक 650 और मैं सोचता हूँ दिल्ली वाले शहर में इतनी सीसी वाली बाइक कैसे चलेगी क्योंकि दिल्ली में इतनी रोड नहीं है वो बाइक्स जो बनी है वो हाईवे के लिए बनी हुई नो डाउट ये इसका प्राइस टैग थोड़ा सा आपको क्लिक करेगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस टैग में दो बाइकें आ रही हैं इसका जो 190 अप्रॉक्सीमेट बता रहे थे कि आपकी क्लासिक जो है जिसे हम ओल्ड जावा कहते हैं 42-177 में दे रहे हैं वो बाइक मैं यही कह रहा था कि कुछ नया करना चाहिए लाइफ के अंदर और वही मैंने सोचा कि आज 1st January है और रेजोल्यूशन यही किया कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी मेरी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा लाइक कमेंट्स प्लस माइनस जैसा भी आपको देना है कमेंट दीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब होगा तो जाएगा लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचेगी और चलो नया सफ़र नए शोरूम के पास और नई बाइक के साथ जावा मोटर्स जावा 42 जावा